हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका दोस्त प्रदीप गौड़ एडवोकेट। आज मैं बहुत ही चर्चित धारा 144 के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 144 क्या है और कब लगाई जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अक्सर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फला जगह पे धारा 144 लागू कर दी है। क्या है धारा 144 और कब लगाई जाती है? किसी भी शहर में या किसी भी पार्टिकुलर जगह पे जहाँ पर शांति भंग होने की संभावना होती है, अर्थात दंगा फसाद होने की संभावना होती है या कोई बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद पुलिस के द्वारा उस जगह पे धारा 144 लगा दी जाती है। अर्थात शांति को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। क्या है धारा 144? दंड प्रक्रिया संहिता CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 है। धारा 144 लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, अर्थात धारा 144 लगाने के बाद, चार लोग एक जगह इकट्ठा होकर गुटबाजी नहीं कर सकते हैं। और जिस जगह पर यह धारा लगाई जाती है वहाँ पर हथियार लाने और ले जाने से रोक दिया जाता है। आइए जानते हैं धारा 144 का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान क्या है। धारा 144 का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। जिस व्यक्ति के द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा उसको धारा 107 व 151 के तहत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और यह जीवांती अपराध है जिसके चलते गिरफ्तार करने के बाद उस इलाके के मजिस्ट्रेट या SP के समक्ष पेश कराया जाएगा और वहाँ पर मुलजिम के द्वारा बेल बांड भरने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, अर्थात जमानत हो जाएगी। धारा 144 लगने पर पुलिस चाहे तो संदिग्ध लोगों को वहाँ से पकड़कर उस इलाके के बाहर भी कर सकती है। सो फ्रेंड्स, धारा 144 शांति बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। तो इस वीडियो में आपने जाना धारा 144 क्या है और कब लगाई जाती है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप कानून से संबंधित किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रदीप लीगल हेल्प को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।